नमस्कार दोस्तों, आज कुंभ राशि के 36 गुणों की भविष्यवाणी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखें। और कुंभ राशि के जातक आखिर बदनाम क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं, समाज के लोग इनको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, इस वीडियो में सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हर व्यक्ति के अपने कुछ सवाल होते हैं, किसी के जीवन में परेशानियां बहुत होती हैं तो किसी के सामने संघर्ष बहुत होते हैं। कुछ ऐसे जातक जो सब कुछ करते हुए भी किसी से तारीफ मिलना तो दूर की बात है, दो प्यार के शब्द सुनने को तरस जाते हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातक बदनाम आखिर क्यों हो जाते हैं, क्या वास्तव में ये इतने गलत होते हैं कि इन्हें बदनामी मिलनी चाहिए, क्या ये ऐसे गलत काम कर जाते हैं जिसकी वजह से इनको बदनामी का सामना करना पड़ता है, बताएंगे ये सभी बातें। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कुंभ राशि के जातकों के स्वभाव के बारे में, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में और कुछ कमियों के बारे में, क्या क्या इनके अंदर कमियां होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। कुंभ राशि के जातक हंसमुख स्वभाव के होते हैं, इनका चेहरा अधिकतर मुस्कुराता रहता है। मनमौजी व चंचल स्वभाव और कुंभ राशि के जातक के अंदर शक अपनी जगह बना लेता है और इन्हें किसी का आदेशा स्वीकार नहीं होता है। ये अपने बनाए हुए कानून कायदों पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी बात सामने वाला व्यक्ति माने ये इनकी चाहत होती है। ये अच्छे सलाहकार माने जाते हैं, स्पष्ट कहने में विश्वास रखते हैं, स्थिति को सुधारने में सक्षम होते हैं, बहुत गहरी सोच रखने वाले होते हैं, रिश्तों की परवाह करते हैं, अपनी चीजों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है, ये सबके विषय में सोचते हैं, सबकी परवाह करते हैं, सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं, सच बोलते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, कोमल हृदय वाले सीधे साधे होते हैं। इनको बातों को ना तो घुमा फिरा कर करने की आदत होती है और ना ही सुनने की आदत होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए सीधा और सरल रास्ता अपनाते हैं और किसी को परेशान करने के बारे में ये सोचते भी नहीं है। ये विवादों में घिरने के आदि नहीं होते हैं, बल्कि विवादों वाले रास्तों को छोड़कर अपना रास्ता बदल लेते हैं, मिलजुल कर लाइफ को एंजॉय करते हैं। जब इतना सब कुछ बेहतर रहता है इनकी लाइफ में तो फिर क्या बदनामी के कारण होते हैं, तो फिर ये बदनाम क्यों होते हैं, इनको अच्छाई के बदले बदनामी क्यों मिलती है, चलिए जान लेते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, न्याय के देवता शनि देव इन पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। ये न्याय का साथ देने वाले होते हैं, अपनों पर जान छिड़कने वाले होते हैं। ज्यादातर लोग लालच के भाव के साथ इनके संपर्क में आते हैं, यानी कि लोग जो जुड़ते हैं वो लालच बस इनसे जुड़ते हैं, वह यह सोच कर आपसे जुड़ते हैं कि किसी तरह का उनका काम निकल जाए और काम निकल जाने के बाद आपका साथ छोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे, भूल ऐसे जाएंगे जैसे कि आपको जानते ही ना हो। जब कभी कुंभ राशि वालों पर बुरा वक्त पड़े तो इनका साथ देने के लिए कोई नजर नहीं आता है, खास तौर पर इनके अपने सबसे पहले इनका साथ छोड़ देते हैं। आप किसी की कितनी भी मदद क्यों ना कर दें, किसी के साथ बुरे वक्त में कितना भी समय दिया हो, कितनों को ही डूबने से आपने बचाया हो, लेकिन बदले में कोई भी उम्मीद इनसे रखना आपकी बदनामी का कारण बन जाता है। कभी कभी आप आलस के शिकार हो जाते हैं, मन में आता है कि अरे हमने तो सबके साथ बहुत कुछ किया तो क्या वो मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकता, बस ये उम्मीद लगाना आपके लिए घातक हो जाता है। एक आलस, दूसरे अपनों से मदद की उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हो सकती, बदले में मिलता क्या है, बदनामी, रिश्तों में तनाव। जब आप स्वयं हर कार्य को करने में सक्षम हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, सच का साथ देते हैं, मेहनत के बल पर बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं, औरों को भी मंजिल तक पहुंचाते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, आने वाली प्रॉब्लम पहले ही समझ लेते हैं और समझने की क्षमता रखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आने वाली मुसीबतों का पूर्वानुमान लगाने में कभी कभी सक्षम हो भी जाते हैं और वो परेशानियां दूर भी कर लेते हैं। जब ये परेशान होते हैं तब अकेलापन चाहते हैं, ये बेहतर नायक होते हैं, अपनों के प्रति प्यार होता है, लेकिन आपको दूसरों के चक्कर में भूल जाते हैं, सबकी मदद में ऐसे खो जाते हैं कि अपने हानि लाभ के बारे में भी भूल जाते हैं, हानि लाभ के बारे में भी नहीं सोचते हैं, कई बार तो अपने हाथ आए सुनहरे अवसरों को खो देते हैं और बाद में जब इनको होश आता है तब ये देर हो चुकी होती है। कभी कभी आलसी हो जाते हैं, आलस के चक्कर में ये कभी कभी बदनाम हो जाते हैं, इनके अपने इनको बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर ये किसी को पैसा उधार देते हैं और ये वापस मांगने की कोशिश करते हैं तो समझ लीजिए कि इनका मतभेद शुरू हो जाता है, इनकी बदनामी शुरू हो जाती है। इन स्थितियों से बचने के लिए आपको थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है,
चाहिए। जो व्यक्ति आपका फायदा उठा लेते हैं उनसे सावधान रहें, शक व आलस्य को अपने अंदर पनपने ना दें। जो व्यक्ति आपकी मदद को भूल जाते हैं, आपको बदनाम करने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, उनको ज्यादा नजदीक ना आने दें, बल्कि उनसे कुछ दूरियां बना कर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा बदनाम आपको आपके अपने ही करते हैं। इसलिए सावधानी से ही सबसे बचा जा सकता है और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।